हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग होटल संगम प्रिस्टीन से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा हम कुनो नेशनल पार्क जाने वाले हैं। भोपाल मध्य भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल में दो खूबसूरत तालाब है जिन्हें अपर लेक और लोअर लेक के नाम से जाना जाता है। अपर लेक के किनारे स्थित है वन विहार नेशनल पार्क, जहां पर टाइगर्स, लायंस और लेपर्ड्स पाए जाते हैं। भोपाल के राज्य संग्रहालय में फॉसिल्स, पेंटिंग्स और अलाइदा जैन धर्म के ग्रंथ रखे हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताज उल मस्जिद भोपाल में है। सामने कई सारे सरसों के खेत हैं, तो एक ड्रोन शॉट तो बनता है। चलिए मेरे साथ। आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। बहुत कीचड़ है, मुझे इसमें से जाना पड़ेगा। ओके। लेट मी गो फ्रॉम हियर। अभी निकल गई। आज मैंने टी शर्ट भी मस्टर्ड येलो कलर की पहनी है और मुझे मस्टर्ड के फील्ड मिल गए। चलते आगे। आप भी मेरी तरह मैचिंग टी शर्ट पहने हो सरसों के खेत से। हम दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई जब हमारी मुलाकात हमारी YouTube चैनल को फॉलो करने वाले दोस्तों से हुई। Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief। भोपाल से हम निकले, उसके बाद शिवपुरी तक पहुंचने के लिए हमको तकरीबन 7 घंटे का वक्त लगा। और वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, इंडाइजेशन, वोमिटिंग और लूज मोशन। तो मेरे साथ जो चल रहे हमारे दोस्त संजय, उन्होंने हमें दवाइयों के बारे में बताया और गुना विलेज से मतलब गुना विलेज हम पहुंचे तो वहां से हमने दवाइयां खरीद ली, इलेक्ट्रोल भी लिया और वो बकायदा पी रहे हैं। दोपहर को कुछ खाना खाया नहीं है, मतलब पेट कम्प्लीटली एम्प्टी रखा है। और शिवपुरी से सेसाईपुरा फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए अभी 1 घंटा और हमें काटना है। अंधेरा हो गया है, दोनों गाड़ियां एक दूसरे के साथ चल रही है सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। तो ये हमारी जर्नी रही आज की, तकलीफ के साथ लेकिन मज़ा। तो मिलते हैं सेसाईपुरा में। हम लोग सेसाईपुरा पहुंच गए हैं। हमारे आने से पहले ऑलरेडी 7 गाड़ियाँ थी यहाँ पर और हमारी 2 गाड़ियों के साथ 9 गाड़ियाँ हुई और बाकी की गाड़ियाँ कल सुबह आने वाली है। तो लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और माहौल इतना बढ़िया है इस वक्त कि बस मज़े ही मज़े हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हो गई है तो हम सारी गाड़ियों का, सब कैंप का सेटअप नहीं देख सकते, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ चलो आपको थोड़ा बहुत दिखाने का। तुझे एक बारिया रब के मिले तो होंगे ना जुदा, ना जुदा, ना जुदा। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.
दुनिया के सारे घुमक्कड़ यही खड़े बैठे सारे घुमक्कड़ अभी ये जिनको आप देख रहे हैं जो अभी फ्रेंच कट में है उनका नाम है विक्रम जी और ये पूरी व्यवस्था उन्होंने ही की है। ऑर्गेनाइजर है हमारे। उनके बाद है ध्रुव हमारे सबसे यंग ध्रुव फिर यज्ञेश विवेक जी कहाँ से विवेक जी जिनकी हिंदी इतनी शुद्ध है कि मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा कभी कभी समझ नहीं आती है हमारे डॉक्टर साहब है हेलो जो तक करीबन 1800 किलोमीटर एक ही झटके में गाड़ी चला के आ गया एंड मास्टर शेफ यस जो बिना ड्रिंक किए दो दिन से चल रहे और ये है हमारे संजय जी बीएसएफ जवान जो हमारे बीएसएफ के जवान है बीएसएफ के जवान है घर वाले ये इंट्रोडक्शन नहीं देता है कौन नहीं देता है वो यज्ञेश ने बोला है सुबोध जी जो जूस पीने के बाद में भी दो पैक जैसा लग रहे आप कहाँ से हैं अहमदाबाद से नासिक जो अहमदाबाद से आए हैं Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Hello Hello I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past दोपहर का खाना खाने के बाद सभी ओवरलैंडर्स कुनो नेशनल पार्क के लिए निकल पड़े रास्ते में हम लोग एक गांव में थोड़ी देर के लिए रुकने वाले हैं जहां पर गांव के बच्चों को स्कूली किताबें पेंसिल रबड़ वगैरह बांटेंगे दोस्तों आपका प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बरसता रहे और हम आप लोगों को नई नई जगह की सफ़र करवाते रहें शुभ रात्रि